अपने सपनों को सफल बनाने के लिए जी अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता। इसी मोटिवेशन के साथ आज शुरू करते हैं अपना न्यू वीडियो। आज हम 10 आवर स्टडी चैलेंज करने वाले हैं गाइस, और मेरे जैसे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हेलो सर, आज हम लोग करने वाले हैं 10 आवर स्टडी चैलेंज। कैसी बात कर दिया तू, है ना? गाइस लेट अस स्टार्ट वीडियो। सो गाइस, पहले हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में मतलब हमारा चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, मज़ा आता है पढ़ने में। मज़ा क्या, मतलब पढ़ना ही पड़ता है, मज़े थोड़े ना मिलते पढ़ के किसी को। गाइस स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी तो भाई क्या बताऊँ। चलो ठीक है, अब किसी तो कंप्लीट तो करना ही है। 10 आवर्स भाई चैलेंज कंप्लीट करना है, फाइनली कंप्लीट। 2 घंटे भी हो गए हैं, अब इंग्लिश करेंगे भाई लोग। इंग्लिश में मज़ा आ गया भाई, ये मतलब जो ये है स्टोरी बहुत अच्छा है, स्टोरी पढ़ के देखना मज़ा आ जाएगा। इसमें तो भाई मतलब मज़े आ रहे थे पढ़ने में, तो इसको स्टोरी पढ़ने में मज़ा आता है। ये ज्योग्राफी हिस्ट्री वस्ट्री ये सब बकवास है, पता नहीं क्यों पढ़ा था। चलो फाइनली गाइस ये भी कंप्लीट हमारा, 11:15 हो गया अभी तो। और भाई लोग ऐसे ही टारगेट लिख लिया करो और टिक लगाया करो, और जो टिक लगाने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, मतलब मज़ा आता है बहुत। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, लगाया करो मज़ा आएगा। अब साइंस स्टार्ट करते हैं। साइंस वैसे ठीक ठाक है, अच्छा लगता है इसको भी पढ़ने में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भाई इसको भी पढ़ना मज़ा आएगा इसमें, मतलब क्या मज़ा आएगा बस। ओ भाई साहब, अभी तो मतलब हालत खराब हो गया है। फाइनली कंप्लीट, बहुत सुकून मिल रहा है भाई साहब, ये सेटिस्फेक्शन मतलब मज़ा आता है। ये टिक लगाने का तो और सुकून मिलता है थोड़ा और ज़्यादा। चलो गाइस अभी हिंदी पढ़ लेते हैं थोड़ा। हिंदी भी अभी सारे चैप्टर्स मतलब जो मैं पढ़ता हूँ अभी, मतलब रीडिंग करता हूँ एनसीईआरटी रीडिंग, और बुक है मेरे पास उससे भी रीडिंग करता हूँ अभी। मतलब जैसे कि रीडिंग ही चलता है अभी, अभी थोड़ा टाइम है ना, उस कुछ दिन पहले ही मैं पी वाई क्यू लगाऊंगा, जैसे लास्ट जनवरी से स्टार्ट कर दूँगा। भाई बाल गोविंद भगत भी कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बनना है अभी तो देखते हैं अभी। हाँ अभी हमारा मैथ बाकी है, मैथ बाकी है, मैथ, ओ भाई मैथ बाकी है। मुझे मैथ ही पहले करना चाहिए था गाइस, अभी तो बहुत मतलब बिल्कुल करने का मन ही नहीं कर रहा है, बस करना है तो करना पड़ रहा है, क्या करना। चलो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में तो जानते ही हो क्या, छोड़ो वो तो बताने लायक ही नहीं है, समझ सकते हो भाई। गाइस कम से कम बस मेरे 5-6 क्वेश्चन हुए हैं, उससे ज़्यादा तो अब नहीं हो रहा है मेरे से। बस 5 बजे मैं उड़ जाऊँगा इधर। तो फाइनली गाइस 5 बज गए, अब चलते हैं घंटे का ब्रेक लेते हैं। 5 to 6 ओ भाई व्हाट अ व्यू गाइस, माइंड फ्रेश हो जाता है भाई, ऐसे करना चाहिए। तो गाइस हमारे पास अभी मतलब 10 घंटे पूरा करने के लिए अभी और टाइम है, और दिमाग में तो कोई पावर है नहीं, लेकिन क्या करें पढ़ लेते थोड़ा और। लेकिन ये चैप्टर करने के बाद देखते हैं क्या ह्यूमन आइज
साइंस का चैप्टर जो कि साइंस का सॉरी हाँ वे क्या फिजिक्स का अभी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टाइम भाई ये तो पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन इतना हार्ड मतलब क्या बताऊँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था ये करना। मतलब पूरा फाइनली 10 आवर्स भी नहीं हुए, अप्रॉक्स 9 आवर्स तो हो चुके हैं। इसलिए गाइस मतलब मैं बीच में सो भी गया था ये पढ़ते पढ़ते, लेकिन एडिट कर दिया। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और अब टाइम है अपने को रिवॉर्ड देने का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड लाइक।